अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अपने गांव में हम एक देसी मुर्गी फार्म में आए हैं और यहां का विजिट और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमारे भाई जिनका मुर्गी फार्म है, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। भाई सलाम अलैकुम। ये मुर्गी फार्म बनाने का आपको कैसे ख्याल आया? देखिए, फैसलाबाद में रहता था, वहाँ दोस्तों का था, इसलिए वहाँ देख के कुछ ख्याल आ गया। अच्छा, चूजा लाना बेस्ट है या प्यार मुर्गी? नहीं, चूजा लाना बेस्ट है। इसकी वजह यह है कि आजकल फार्मों में वैक्सीन जो है वो शुरुआती इसकी वैक्सीन जो होती है वो मौजूद है, तो अक्सर फार्मर जो है वो हैचरी वाले वो वैक्सीन नहीं करते हैं, इसलिए चूज़ा लाना बेस्ट है। खुद बंदा वैक्सीन करे ताकि कोई मसला ना बने आगे। तो चूज़ा कहाँ से लाना चाहिए? चूज़ा कराची हैचरी से भी मिल जाता है, सिंध में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा मिलता नहीं है। बाकी मैंने तो फैसलाबाद से लिया था, फैसलाबाद में यहाँ बड़ी बड़ी हैचरी है, खासकर लाहौर में, तो इस वक्त कराची में भी है और हैदराबाद में लतीफाबाद नंबर 2 में भी इसकी नई हैचरी खुली है। अच्छा, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, बड़े चूजे की फीड और छोटे चूजे की फीड कौन सी है? इन दोनों में फ़र्क है। शुरू में देसी के लिए देसी के लिए चूजे की फीड है, तकरीबन ये स्टार्टर फीड देते हैं जो ब्रॉयलर को देते हैं शुरुआत वाली, उसके 15 दिन के बाद ये देसी फीड शुरू कर देते हैं, गंदम बाजरा और ये मकई वगैरह और चावल, और 3 महीने तक यही फीड चलती है। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा इसको अंडों के लिए दोबारा इसको फार्मी फीड की तरह फीड देनी पड़ती है, फिर ही जाके अंडे देता है। अंडे के लिहाज से बेहतर है या गोश्त के लिहाज से? अंडे के लिहाज से भी बेहतर है और गोश्त के लिहाज से भी, क्योंकि इसका अंडा जो है वो सिर्फ सीज़न में चलता है। देसी का अंडा पंजाब सिंध में इतनी मार्केट नहीं है, पंजाब में ये अंडे के लिहाज से बेस्ट है और गोश्त के लिहाज से यहाँ से लोग जैसे खरीद लेते हैं वहाँ उस लिहाज से बेस्ट है, लेकिन अंडे के लिहाज से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, इनकी वैक्सीन प्रॉपर करते हैं? इनकी वैक्सीन तकरीबन 4 महीने तक प्रॉपर होती है, शुरू से लेके 1 दिन के चूजे से लेके 4 महीने तक प्रॉपर होती है। अच्छा, इनमें फार्मिंग मुर्गी की तरह नुकसान का खतरा है? नुकसान का इसमें अगर प्रॉपर वैक्सीन हो फिर तो कम ही है। दूसरा, इसका ये जो है ना अपना खर्चा तकरीबन निकाल ही देती है, यानी नुकसान का इसमें खर्चा तकरीबन 10-15% हो जाता है। चूज़ा एक दिन से लेकर तैयारी के मरने तक कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन एक चूज़ा जो है ये तैयारी से लेके एक दिन से लेके तैयारी तक 500 से लेके 600 तक का खर्चा खा जाता है आराम से। अच्छा, कारोबार का सीज़न सारा साल चलता है? नहीं, ये सिर्फ सीज़न का कारोबार है, सारा साल नहीं चलता। एक मुर्गी के लिए कितनी जगह दरकार है और मुलाजम कितने हैं? एक मुर्गी के लिए तकरीबन 1 स्क्वायर फुट जगह दरकार होती है। अच्छा, और देसी के लिए एक मुर्गी फार्म के लिए तकरीबन 4,000 मुर्गी के लिए एक मुलाजम दरकार होता है। अच्छा, 4,000 मुर्गी के लिए एक मुलाजम। हाँ, मुर्गी सेल करेंगे? नहीं जी, ये सेल तो करनी है इंशाल्लाह, रहता है। हाँ जी, जो भी कोई भाई ख़रीदना चाहे मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँ। अपना नंबर थोड़ा इस तरह भी बता दें, फिर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 0331-29-39-360 जगह के लिए। दोस्तों, ये हमारे भाई जिन्होंने मुर्गी फार्म रखा है, और आइंदा भी अगर कोई इनका मसला मसाइल बीमारी के बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अंडे पे
बैठी है।